भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को प्रवेश करेगी। वहीं राहुल की यात्रा में लगातार बदलाव हो रहे हैं। एक बार फिर यात्रा में बदलाव को लेकर खबर सामने आई। ये बदलाव इंदौर में खालसा कॉलेज में राहुल के ठहरने और महू में बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली को लेकर हुआ है, जिसको लेकर अब सत्ताधारी पार्टी के नेता कांग्रेस पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को प्रवेश करने वाली थी, लेकिन अब 23 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते एंट्री लेगी। यही नहीं, राहुल गांधी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 26 नवंबर को पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल 27 नवंबर को महू जाने वाले थे, लेकिन अचानक फिर बदलाव हुआ है। यही नहीं, इंदौर के खालसा कॉलेज में ठहरने का राहुल गांधी का कार्यक्रम था, लेकिन अब उसे भी बदल दिया गया है। तो वहीं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अब राहुल गांधी 1 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को एक दिन पहले ही जाएंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कार्यक्रम बदलाव को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और भी कम हो सकते हैं, स्वाभाविक रूप से निर्धारित लोगों को हटा दें तो उतना समर्थन मिल नहीं पा रहा है यात्रा को, और इसलिए इस तरह का विचार करते होंगे। मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले ही यात्रा को लेकर हो रहे बदलाव से जहां सत्ता पक्ष तंज कस रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की घबराहट बता रही है। प्रदेश में यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा की माने तो पूरे प्रदेश में 20 उपयात्राएं निकल रही हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। वहीं खालसा कॉलेज में ठहरने वाले बदलाव को लेकर उन्होंने जगह की कमी को इसका कारण बताया है। पीसी शर्मा की माने तो यात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है। ये प्लान जितना था उतना ही है। 23 तारीख को आएंगे बरदोली बुरहानपुर में, पदयात्रा शुरू हो जाएगी। वो जगह पूरी नहीं हो रही थी, एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि 28 तारीख को रेस्ट डे है, तो जहाँ एक इवनिंग संगीत का कार्यक्रम भी हो जाए और वहाँ ठहर भी जाए, उसके पास ही होना चाहिए, इसलिए वो जगह को चेंज किया। ये केवल गाड़ियों पे और रथों पे चलते हैं रावण की तरह, और कांग्रेस राम की तरह पैदल चलती है और इनका मुकाबला करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के जलगांव के जामोद से होते हुए यात्रा बुरहानपुर के बोदरली गांव पहुंचेगी। यात्रा 13 दिन में प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा में घूमेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 382 किलोमीटर चलेगी। इस दौरान खंडवा में टांटिया मामा भील की जन्मस्थली, महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन में आम सभा करेंगे। वहीं इन कार्यक्रमों के साथ ही मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री की तारीख में भी बदलाव हुआ है। अब राहुल गांधी आगर जिले से 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेंगे। दिनेश शुक्ल, INS 24 से विन भोपाल।